मैं अनिल कुमार द्विवेदी, हिंदी प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग दोहा नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि 4 दोहे का वीडियो हमने प्रेषित कर दिया है, आज हम दोहा नंबर 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभु चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इस दोहे में गोस्वामी दास जी उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए और सीता जी उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं और कैसे अपने को बचाते हुए श्री राम को देख रही हैं। उस समय उनके नेत्र कितने चंचल हैं, कैसे दिख रहे हैं, उसका वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्रभु श्री राम पोनी पुनः चिताओ देखती हैं, देखना मैं पृथ्वी राजत सुंदर लोचन नेत्र मनसिज मीन्स कामदेव मीन मीन्स मछली जुग दो जोड़ा जिसे कहा जाता है जन जैसे विधुमंडल डोल विधु माने चंद्रमा चंद्रमंडल का डोल या कमंडल। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रभु चितव पुन चितव मह सीता जी श्री राम को देखती हैं। प्रभु अर्थात श्री राम को देखती हैं और इसके बाद फिर अपनी निगाहें धरती पर टिका लेती हैं अर्थात धरती को देखने लगती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है, वहां ज्ञानियों का समाज बैठा हुआ है, अपने लोग बैठे हुए हैं और यदि उस समय सीता जी एक टक राम को देखती तो मर्यादा का हनन हो जाता। इसलिए सीता जी जब सबकी निगाहें इधर उधर हो जा रही हैं तो श्री राम को देख रही हैं और जब लोगों की निगाहें उन पर आती हैं तो वो अपनी निगाहें नीचे करके धरती को देख रही हैं। आदर्श है, एक रामचरितमानस एक आदर्श है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि प्रभु चितय पुन चितव मैं। सीता जी श्री राम को देखती हैं और इसके बाद पुनः धरती को देखती हैं, पृथ्वी को देखती हैं और उस समय उनके नेत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं, राजत लोचन लोल। उस समय सीता जी के नेत्र कैसे शोभायमान हो रहे हैं उसका वर्णन यहां हो रहा कि खेलत मन सिज मीन जुग। मन सिज कामदेव मीन माने मछली, उनके नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे
कामदेव की दो मछलियां, विधु मंडल चंद्रमा रूपी मंडल में खेल रही हैं। सीता जी के नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। आइए चौपाई देखते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, और सकुची व्याकुल तावड़ जानी, और धर धीरज प्रतीत और यानी, और तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपद पद सरोच चितु राजा, और तव भगवान सकल और वासी, करी हैं मोहि रघुवर कय दासी, और जेही के जेही पर सत्य सने हु, सोते ही मिलन कछु संदेहो, ओ प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, ओ कृपा निधान राम सब जाना, ओ सियहि बिलोक तक ओ धनु कैसे, ओ चितव गरोर लघु व्यालहि जैसे। आइए अब इसकी वर्ड वेंडिंग पर हम ध्यान देते हैं। गिरा, गिरा मीन्स वाणी, अलिन मीन्स होता भ्रमरी, भ्रमर से भौरा आप कहते हैं, पंकज पंक धनज, पंक माने कीचड़, जमाने उत्पन्न होना, जो कीचड़ में उत्पन्न हो, पंकज अर्थ कमल, निशा रात्रि, लोचन नेत्र, कृपण जिसे कृपण कहा जाता है, कंजूस, प्रतीत प्रेम और हृदय, तन शरीर मन, मन से पद सरोज कमल रूपी चरण, चित माने चित्त, तव भगवान सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय, रघुबर कह दासी, दासी माने दासी सेवा करने वाली, सत्य स्नेह, स्नेह माने प्रेम, मिले न कुछ संदेह, कृपा निधान सब जाना, सीए बिलोक, बिलोक माने देखना, ताक्यो माने ताकना, चितव देखना, गरुर गरुड़, लघु छोटा, ब्यालय ब्यालय माने सर्प। अब आइए इसकी व्याख्या देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो वाणी है वह मुख से नहीं निकल पा रही है, असमर्थ हैं अपनी वाणी को प्रकट करने में, और उस वाणी को सीता जी अपने पंकज रूपी थार कमल रूपी मुख में उस वाणी को रोक लेती है, और प्रगटन लाज निशा अवलोकी, और उसे लज्जावश प्रकट नहीं कर रही हैं, इसमें भाव है जो भ्रमरी और कमल का साम्य दिया गया है उसको समझ लीजिए। कमल एक ऐसा पुष्प है कि वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है, उसके कोष बंद हो जाते हैं। यदि कोई भौरा उसके पराग को लेने में लीन है और सूर्यास्त हो रहा है तो वह जो भौरा भ्रमरी जो है उसमें क्या होती है, बंद हो जाती है, उसके कोष में वह भ्रमरी बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है तो अपने को एकदम मौन कर लेती है, मौन हो जाती है, जरा सा भी हिलती डुलती नहीं है, और फिर
रात्रि के बीत जाने का इंतजार करती है। क्यों? क्योंकि रात्रि बीत जाएगी, सुबह होगी तो कमल के कोश अपने आप खुल जाएंगे, तब यह बाहर जो है गुनगुनाते हुए निकल जाएगी। उसी तरह से सीता जी की दशा हो रही है यहाँ पे, भ्रमरी जैसी उनकी दशा हो गई है। जैसे भ्रमरी अपने को उस कमल के कोश में जब बंद हो जाती है तो एकदम मौन हो जाती, शांत हो जाती है, उसी प्रकार से सीता की जो वाणी है वह कमल रूपी मुख में मौन हो जाती है, कुछ कह नहीं पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और उनके नेत्रों में आंसू, जो नेत्रों में आंसू है ना, एक कोने में स्थिर हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिस प्रकार से यदि कोई महान कृपण है तो उसके घर के कोने में ही सोना गड़ा होता है, उसी प्रकार से सीता जी अपने आंसुओं को नेत्र के एक कोने में स्थिर कर लेती हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। और जब इस तरह से राम के प्रति उनका प्रेम आसक्त हो जाता है और जब उन्हें ध्यान आता है तो क्या होती है, वो संकुचित हो जाती है, उनका उनका जो है व्यग्रता उनकी जो है वो बढ़ जाती है, व्याकुल हो जाती है। धर धीरज प्रतीत उर आनी, और अपने हृदय में प्रेम को धारण करके, प्रेम को प्रेम रूपी धैर्य धारण करके, हृदय को धैर्य धारण करके कह क्या रही हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, और रघुपति पद सरोज चितु राचा। यदि मैं तन से मन से वचन से भगवान श्री राम के प्रति यदि मेरा प्रेम है, रघुपति पद सरोज चितु राचा, रघुपत श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा यदि प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वह मुझे अवश्य मिलेंगे। तो भगवान सकल उर्वासी, ये दिखाई पड़ रहे हैं मंच पे, ये संपूर्ण संसार के क्या हैं, सकल मन संपूर्ण, संपूर्ण संसार के हृदय में निवास करने वाले हैं। और कारी है मोह रघुबर कै दासी, ये भगवान श्री राम जो हैं सकल संसार के हृदय में वास करने वाले हैं, और ये मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्या भाव है वहां, पत्नी का भाव नहीं कह रही है, मुझे अपना अपना सौभाग्य मेरा होगा कि मैं उनकी पत्नी बन जाऊंगी, ये नहीं कह रही है, कह रही है कि दासी, क्या भाव छिपा हुआ है कि मुझे वे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्यों? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, वह उसे अवश्य मिलता है। तो सीता जी कह रही हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है उसे वह अवश्य मिलता है, उसमें संदेह की भावना नहीं रह जाती है। और प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु ने देखा कि सीता जी
मन से अपने हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम का भाव ठान लिया है उसे भगवान श्री राम समझ जाने, कृपा निधान है, दया निधान, कृपा निधान, कृपा निधान राम सब जाना। सीता के अंतर मन को भगवान श्री राम जान गए कि सीता जी अब मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, उनके प्रेम को जान गए। और जब श्री राम सीता के प्रेम को जान गए तब क्या कर रहे हैं राम, सिंह बिलो की तक्यो धनु कैसे। तो श्री राम जी सीता जी को देखते हैं, बिलोक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, बिलोकना ताकना निहारना, बताया था कि शाब्दिक अर्थ एक ही होता है लेकिन भाव सब में अलग अलग छिपे हैं। श्री राम मंच से सीता जी को देखते हैं और जब देखते हैं सीता जी को, और सीता जी को देखने के बाद फिर धनुष को कैसे देख रहे हैं उसका वर्णन इस लाइन में है कि श्री राम सीता को देखते हैं और पुनः तक्यो धनु कैसे, उस शिव धनुष को कैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे गरुड़ पक्षी किसी छोटे सर्प को देख रहा हो, क्यों कि सर्प जो है गरुड़ का आहार है, उसी तरह से श्री राम जी उस धनुष को देख रहे हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी जो है वो सर्प को देख रहा हो। आइए काव्यगत सौंदर्य पर, तो इसमें जो भाषा है वो अवधि भाषा है, शैली प्रबंध शैली और चित्रात्मक शैली है। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है और अलंकार इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि इसमें आप देखते हैं खेलत मनसिज मीन जुग जनु, अलंकार जब पढ़ाया गया था उसमें हमने बताया था आपको मन मानो जन जानो, जहां आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए बच्चों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप इस दोहे और चौपाई की संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर अपने अपने ग्रुप पे सेंड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।